So we'll start off with sequence and series. Sequence and series as a topic will contain three things: AP, GP, or special series. AP is primarily जो हमने last time करा था, तो उसमें अपन क्या करेंगे कि quickly formulae देख लेंगे, एक बार base समझ लेंगे, और then we will get on with the questions. Questions are more or less similar to what we had done last year. उसमें कुछ advanced concepts हैं like arithmetic, mean वगैरह. तो दैट वी विल अंडरस्टैंड कि वो क्या होता है और उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कर लेंगे. तो वो आ सकता है एपी में. लास्ट ईयर के सम वम वाले क्वेश्चन तो आने मुश्किल हैं, बट स्टिल विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर. एंड देन उसके बाद जीपी से रिलेटेड एपी कैसे यूज होता है, स्पेशल सीरीज में एपी कैसे यूज होता है, उन सब चीजों से रिलेटेड ये चैप्टर है. अब सबसे पहली चीज जो हमें देखनी है वो तो ये है कि एपी होता क्या है, राइट? लास्ट ईयर हमने कर रखा था, बट स्टिल अगर क्विकली मैं देखूं, एपी इज नथिंग बट अ सीरीज. एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं एपी को. दैट मींस इट इज अ सीरीज ऑफ सम नंबर्स व्हिच इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग विद अ पर्टिकुलर डिफरेंस. तो जब भी ऐसे नंबर दिखें जब वो एक ही नंबर से डिफर कर रहे हो, चाहे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सच अ सीरीज इज कॉल्ड arithmetic progression. For example, अगर मैं बोलू 1, 3, 5, 7, 9, now this becomes a AP because हर number जो है आपस में 2 से differ हो रहा है. ये आप देखिए, हर number आपस में 2 से differ होता जा रहा है. So such a series becomes an AP. अब इसमें होता क्या है, हम लोगों ने last year पढ़ा था कि AP में जैसे कुछ terms हमने सीखे थे. एक तो हो जाता था an, उसको हम लोग कहते थे nth टर्म, राइट? an को हम nth टर्म कहते थे. उसका फॉर्मूला होता था a प्लस n माइनस 1 इनटू d, जहां पे a हो जाता था मेरा फर्स्ट टर्म, n हो जाता था नंबर ऑफ टर्म्स, और n माइनस 1 d हो जाता था कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, एनी टू नंबर्स में डिफरेंस. जैसे यहाँ पे मैं कह सकता हूँ a2 माइनस a1, D को हम लोग डिफाइन करते थे एस ए टू माइनस ए वन, या आप ए थ्री माइनस ए टू भी कह सकते हो. मतलब जो सक्सेसिव टर्म है माइनस उसका प्रीसीडिंग टर्म, उन दो टर्म्स का डिफरेंस मेरा हो जाएगा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या मैं कह सकता हूँ कॉमन डिफरेंस इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ये हमने देखा था, ए होता था फर्स्ट टर्म, एम एन होता था टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ये सब हमने पढ़ रखा था. अब ये चीज हमने ध्यान दी थी लास्ट टाइम, कुछ क्वेश्चन भी थे इस टाइप का, कॉम्पिटेटिव में भी आ जाता है कभी कभी कि भाई दो सीरीज दे रखी होंगी और पूछेगा कि एपी में है कि नहीं. तो इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई वेदर दोस टू इक्वेशंस आर इन एपी और नॉट, व्हाट वी हैव टू डू इज हम उन दोनों में से दो दो टर्म्स, मतलब जैसे एक सीरीज दी हुई है तो ए टू माइनस ए वन करके देख लो, ए थ्री माइनस ए टू करके देख लो. अगर दोनों का डिफरेंस सेम आएगा तो वो एपी में होगा, अगर सेम नहीं आएगा तो वो एपी में नहीं होगा. ये सब भी हमने देख रखा था. फिर उसके बाद हम लोग ने सम पढ़ा था, राइट? लास्ट ईयर हमने SN के भी फॉर्मूले देखे थे, वो वाला एक बार लिख लेते हैं. SN का फॉर्मूला भी हम लोगों ने देख रखा था. SN के दो फॉर्मूले हमने पढ़े थे लास्ट ईयर. एक पढ़ा था n बाय 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, करेक्ट? एक ये फॉर्मूला पढ़ा था, और एक इसी का जो डिफरेंट फॉर्म हो जाती थी, अगर 2a को मैं a प्लस n माइनस 1 d बोल दूं तो यहाँ पे क्या हो जाता था, ये पूरी चीज एन बन जाएगी या लास्ट टर्म बन जाएगी, तो मेरा फॉर्मूला दूसरा बन जाता था एन बाय टू ए प्लस एल. अभी ये दो फॉर्मूले के बेस पे हम थोड़े से क्वेश्चन फटाफट करके देख लेते हैं जिससे कि एक फ्लो आ जाए, एंड देन आई विल टीच यू अरिथमेटिक मीन. ठीक, अब क्विकली मैं तुम लोगों को बुक से, इसमें मैं करूंगा नहीं सारे क्वेश्चन क्योंकि पिछले साल कर रखा है, तो विल ट्राई टू स्पीड इट अप. तो मैं आपको आर डी शर्मा के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एपी परस्पेक्टिव जो कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के लिए इम्पोर्टेंट है वो फटाफट करवा देता हूँ, और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चीज देखेंगे. अब जैसे पहला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल टू करते हैं, उसमें हमें दिया हुआ है शो दैट द सीक्वेंस लॉग ए, लॉग ए बी, लॉग ए बी स्क्वायर, लॉग ए बी क्यूब इज इन एन एपी. अब लॉग में ना जब भी क्वेश्चन आ जाता है लॉग का तो बच्चे डर जाते हैं क्योंकि सीबीएसई में लॉग पढ़ाया नहीं जाता और सीधा क्वेश्चन के फॉर्म में देख लिया जाता है. तो कई बार मैंने देखा बच्चों की लॉग की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी वीक होती है, तो कभी हम लोग एक अलग से सेशन कर लेंगे फॉर लॉग. बट एज ऑफ नाउ बस आप इतनी सी चीज समझ लो कि लॉग ऑफ
ए प्लस लॉग ऑफ बी हो जाता है लॉग ए बी, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं कहूं लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी हो जाता है लॉग ऑफ ए बाय बी, लॉग ऑफ वन जो होता है वो जीरो होता है, और लॉग ऑफ मैं कहूं ए की पावर बी तो हो जाता है बी लॉग ए, ठीक है। और लॉग एक्चुअली हम लोग इसलिए निकालते हैं, यूज करते हैं कि कभी कभी ना बहुत लंबी कैलकुलेशन होती है, आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री में भी बहुत ज्यादा इसका यूज करोगे, तो उन लंबी कैलकुलेशंस को जल्दी से कर लेने के लिए वी हैव डिवाइस्ड दिस मैकेनिज्म ऑफ यूजिंग लॉग्स एंड एंटी लॉग्स। जैसे 3.963567 इनटू 4.596723 इनको मल्टीप्लाई करना है, तो वी कैन यूज लॉग्स एंड एक्चुअली मल्टीप्लाई इट वेरी फास्ट, ठीक है। तो अब वो सब आपके फिजिक्स में आएगा, आप केमिस्ट्री में आएगा, तो मे बी आपको लॉग देखना भी आ जाएगा, बट एज ऑफ नाउ जो हमें मैथ्स में चाहिए वो ये फॉर्मूले चाहिए कि लॉग ए प्लस लॉग बी इज लॉग ए बी। माइंड यू लॉग ए प्लस बी इज नॉट लॉग ए प्लस लॉग बी, कई बार ये बहुत बच्चे गलती कर देते हैं कि लॉग ऑफ ब्रैकेट में ए प्लस बी को लॉग ए प्लस लॉग बी बोल देते हैं, विच इज नॉट द केस। लॉग ए इंटू बी इज लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए इंटू बी इज लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए बाय बी इज लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए बाय बी इज लॉग ए माइनस लॉग बी, एंड देन लॉग ए की पावर बी इज बी लॉग ए, ठीक है। और लॉग वन जीरो होता है। अब लॉग में ना कभी कभी जैसे अपने क्या होता है, एक दो चीजें होती है, एक बेस होता है और एक वो नंबर होता है जिसका हम लॉग ले रहे हैं। तो जब कुछ नहीं लिखा होता तो बेस जनरली 10 माना जाता है, ठीक है। और लेट से मैं लॉग निकाल रहा हूँ 100 का, ठीक। तो अब इस क्वेश्चन को अगर करना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसमें मैं लिख सकता हूँ 100 को 10 स्क्वायर बेस 10, तो ये क्या हो जाएगा 2 लॉग 10 बेस 10। दैट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि अगर लॉग ऐसा है जिसका बेस और जिस नंबर का लॉग निकालना है वो सेम है तो वो 1 हो जाता है, ठीक है। लॉग बेस और जिस नंबर का लॉग निकालना है, अगर बेस और वो नंबर सेम है तो वो 1 हो जाएगा, चाहे ये लॉग ए बेस ए हो, 10 बेस 10 हो, ई बेस ए हो। कभी कभी ln भी लिखा होगा, तुम्हें दिखेगा ln, तो उसका मतलब होता है नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग में बेस जो होता है वो ई होता है, एप्सिलॉन, ठीक है। मैं बस कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो कहीं कहीं पे लॉग में लगते हैं, एंड वी विल ऑल्सो डेल्व डीपर लेटर। अब जैसे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। और लॉग नेगेटिव नंबर का कभी नहीं होता, पॉजिटिव नंबर का ही होता है, ठीक है। अगर लॉग नेगेटिव दिखे तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक। लॉग ऑफ 1 इज 0, ये भी तुम्हें पता है, ठीक है। और क्या बता सकते हैं, अच्छा अगर मानो एक बेस चेंज फॉर्मूला और होता है, वो चीज देख लो। अगर मेरे को ऐसा दिया हो लॉग बेस ए बी, ठीक है, लॉग ऑफ बेस ए बी, लॉग बी है एट बेस ए, तो इसको मैं 1 बाय लॉग ऑफ बी, मतलब बेस और नंबर चेंज हो जाता है और वो इन्वर्स हो जाता है, 1 बाय लॉग बेस बी ए, 1 बाय लॉग बेस ए बी इज ऑल्सो इक्वल टू 1 बाय लॉग बेस बी इंटू ए, ठीक है। और एक चीज याद रखना कि अगर कभी अपने जैसे यहां पे आ जाए लॉग ऑफ ए बेस बी, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग ऑफ ए बाय लॉग ऑफ बी, मैं लिख के दिखा देता हूं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ये चीज अगर आ जाए तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ ए बाय लॉग ऑफ बी। ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये सब आप एक बार नोट कर लो, उसके बाद अब इसकी एप्लीकेशन हम लोग क्वेश्चंस में देखेंगे, मैथ्स में काफी तरह से डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म। क्वेश्चन है कि शो दैट सीक्वेंस लॉग ए लॉग ए बी लॉग ए बी स्क्वायर लॉग ए बी क्यूब इज इन एन एपी, ठीक है। अगर एपी में कोई चीज होती है तो हमने 10th में पढ़ा था कि उसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, किसी भी दो टर्म्स का कॉमन डिफरेंस सेम होगा, दो सक्सेसिव टर्म्स का। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं a2 माइनस a1, मतलब log ab माइनस log a और log ab स्क्वायर माइनस log ab, दोनों का जो डिफरेंस आना चाहिए वो सेम आना चाहिए। अगर सेम आ गया तो मैं कह सकता हूँ कि ये टर्म्स जो हैं ये ap में हैं, और उसके बाद फिर मुझे nth टर्म निकालना है,
ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन को अगर अपन क्विकली करके देखें तो हमें क्या मिल रहा है, पहले तो एपी में दिखाना है, तो मैं क्या कहूंगा, लॉग ऑफ ए बी माइनस लॉग ऑफ ए। अब ये एक्चुअली में हो क्या जाएगा, लॉग ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, लॉग ए बाय लॉग बी, है ना, लॉग ए बाय बी, लॉग ए माइनस बी होता है लॉग ए बाय बी। अभी अपन ने पीछे फॉर्मूला देखा, अब ये ए ए कट जाएगा, क्या आ गया, लॉग बी। अब हम दूसरे दो टर्म उठा लेते हैं, उसमें क्या था, ए बी स्क्वायर नेक्स्ट टर्म और उसके पहले वाला टर्म विच इज ए बी, इनका डिफरेंस निकालते हैं, ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी। ठीक है, अब यहाँ पे ए ए कट बी बी कट, तो ये भी लॉग बी आ गया। अब अगर दोनों ही लॉग बी आ गए, मतलब ये मेरा जो टर्म है वो एपी में है, मेरा फर्स्ट पार्ट आ गया। अब मुझे nth टर्म निकालना है इसका, वो देखते हैं। nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब ए मेरा क्या है, फर्स्ट टर्म इज लॉग ए प्लस एन माइनस वन, और डी क्या है एक्चुअली, अगर आप डी देखो तो अभी हमने निकाला कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा था, लॉग बी, है लॉक ना। अब देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग ए और यहाँ हो जाएगा लॉग ऑफ बी। अब ये पावर ऊपर जा सकती है, अभी हमने पीछे एक फॉर्मूला देखा था कि हम जब भी लॉग ए पावर बी होते हैं तो उसको बी लॉग ए लिख सकते हैं, तो हम बी लॉग ए को लॉग ए पावर बी भी लिख सकते हैं, राइट, उल्टा उसका। तो हमने इसको इस टर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या हो रहा है, लॉग ए प्लस लॉग बी है, लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ऑफ ए बी, मतलब ए इंटू बी इज बी की पावर एन माइनस वन। तो मेरा ये आंसर आ जाएगा, nth टर्म इज लॉग ऑफ ए इंटू बी की पावर एन माइनस वन। अब तुम लोग एक बार ये एग्जाम्पल 4 करो, जिसमें वो बोल रहा है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 4, 9, 14, 19 इज 124। तो पहले, अब इस साल जैसे पिछले साल तो सब एपी था तो हम सीधा एपी लगा देते थे, इस साल अब हमें जीपी भी है, स्पेशल सीरीज भी है, तो हमें क्या करना है, पहले तो एस्टेब्लिश करना है इन आर माइंड की जो जो हमें दे रखा है वो एपी है कि नहीं। अगर एपी है तभी एपी का फॉर्मूला लगेगा, फॉर्चुनेटली इस केस में तो एपी का ही चैप्टर है तो एपी लग रहा है, बट अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो यू कैन यू विल ऑल्सो हैव टू फर्स्ट थिंग कि जीपी तो नहीं है, वो जीपी का अलग कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, बट अब यहाँ पे तो सीधा सीधा एपी है, A2 - A15, A3 - A25, तो ये एपी है। अब कह रहे हैं विच टर्म इज 124, तो आप nth टर्म का फॉर्मूला लगाओ जैसे अपन ने कर रखा है पिछले साल, और n की वैल्यू निकाल लो। ठीक, ये वाला क्वेश्चन करो और उसके बाद फिर एग्जाम्पल 7 करना, एग्जाम्पल 4 कर लो फिर एग्जाम्पल 7 करो। अब वो वाला क्वेश्चन हो गया, तो अब विल मूव फॉरवर्ड। अब अगेन पिछले साल से ही क्वेश्चन है, आप लोगों ने कर रखा है, एक बार फटाफट करके देख लेते हैं, दो, एक 9th और एक 10th करके देखते हैं। 9th में हमें दिया हुआ है पीएथ क्यूए तारे टर्म्स ऑफ एपीआर एबीसी रिस्पेक्टिवली शो दैट, फर्स्ट पार्ट अभी अपन करेंगे, ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू इज जीरो। तो अगर ये पीएथ क्यूए तारे टर्म है एबीसी, तो आप एपी ले लो, ए एपी का फर्स्ट टर्म ले लो बड़ा ए और डी ले लो बड़ा डी, तो आप पीएथ टर्म ये निकाल सकते हो, ये ए की वैल्यू, ऐसे ही क्यूएथ टर्म निकाल सकते हो, आरएथ टर्म निकाल सकते हो, इनकी वैल्यू इधर डाल देना, सब मल्टीप्लाई करना और सब कट कुट के जीरो हो जाएगा। और वैसे ही दूसरा टर्म क्वेश्चन भी अपन कर चुके हैं पिछले साल, एक बार फटाफट ये वाले करो फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक बार एग्जाम्पल 15 कर लो, अगेन रिविजन चल रहा है लास्ट ईयर का। अब इसके बाद मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा जो ये वाला है एग्जाम्पल 20, जो काफी बार अपना एग्जाम्स में आ सकता है, सो पहले एग्जाम्पल 15 कर लो फिर वो वाला देख लेते। अब हम एग्जाम्पल 20 देखते हैं, एग्जाम्पल 20 में क्या है, ए वन ए टू ये सब एपी में है, शो दैट दिस इनका सम इज एन माइनस वन अपॉन दिस। ठीक है, हमें दिया हुआ है ए वन ए टू ए थ्री सब एपी में, दैट मीन्स आई कैन से ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू, सब कॉमन डिफरेंस सेम होगा अगर ए वन ए टू ए थ्री सब एपी में है तो। अब क्या करो, ये वाला लाइन लिखो इक्वेशन, और अब हर वाले
जैसे फर्स्ट टर्म इज वन अपॉन रूट ऑफ ए प्लस वन इंटू रूट ऑफ ए प्लस टू, इसमें रूट ऑफ ए टू माइनस रूट ऑफ ए वन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ये देखो यहाँ पे वन अपॉन रूट ऑफ ए टू प्लस रूट ऑफ ए वन था, तो ए टू माइनस ए वन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। फिर सेकेंड टर्म था वन अपॉन रूट ऑफ ए थ्री प्लस रूट ऑफ ए टू, तो रूट ऑफ ए थ्री माइनस ए टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, और ऐसे चलते जाओ करते जाओ आगे तक। अब एंड में तुम्हें मिल जाएगा रूट ऑफ ए टू माइनस ए वन अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट ऑफ ए टू प्लस ए वन इंटू रूट ऑफ ए टू माइनस ए वन, हो जाएगा ए टू माइनस ए वन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, राइट, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो रूट ऑफ ए टू स्क्वायर माइनस रूट ऑफ ए वन स्क्वायर विच विल बिकम ए टू माइनस ए वन, ऐसे ही इस टर्म में हो जाएगा ए थ्री माइनस ए टू, नेक्स्ट में हो जाएगा ए एन माइनस ए एन माइनस वन। किसी भी दो टर्म्स का जो डिफरेंस है वो डी है। अभी अपन ने पीछे देखा कि ए टू माइनस ए वन, ए थ्री माइनस ए टू, ये सब डी है, तो इनमें सब में डिनोमिनेटर डी हो जाएगा। डिनोमिनेटर डी है मतलब कॉमन हो गया, तो ऊपर के सारे टर्म्स एड हो जाएंगे। अब आप देखो यहाँ पे ए टू कट जाएगा, ए थ्री कट जाएगा, ए एन ए एन कट जाएगा, और एंड में तुम्हारा बचेगा ये वाला रूट ए एन और ये वाला रूट ए वन, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा वन बाय डी रूट ऑफ ए एन माइनस रूट ऑफ ए वन। फिर उसको मुझे फॉर्मेट किस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में लाना है। अभी मेरा क्या आया, ये आया, तो अब मैं रूट ऑफ ए एन माइनस रूट ऑफ ए वन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, ऊपर आ जाएगा ए एन माइनस ए वन, नीचे आ जाएगा ये नीचे वाला टर्म आ गया। ऊपर वाला टर्म लाने के लिए अभी और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एन माइनस वन चाहिए और डी भी नहीं है, सिर्फ ए वन प्लस ए एन है। ए वन प्लस ए एन तो आ गया रूट में, बट डी है एक्स्ट्रा और यहाँ पे ए एन माइनस ए वन है, तो ए एन को मैं चेंज कर दूंगा ए प्लस एन माइनस वन डी। अब इसको सॉल्व करूंगा, ए वन ए वन कट जाएगा, डी डी कट जाएगा, बचेगा एन माइनस वन अपॉन रूट ऑफ ए वन प्लस रूट ऑफ ए एन। तो इस हिसाब से ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन एक बार करके भी देख लेते हैं, तो हमारे पास क्या था, वन अपॉन रूट ऑफ ए वन प्लस रूट ऑफ ए टू प्लस ऐसे ही आगे था वन अपॉन रूट ऑफ ए टू प्लस रूट ऑफ ए थ्री प्लस आगे चलता जाएगा और है लास्ट में रूट ऑफ ए एन माइनस वन प्लस रूट ऑफ ए एन। अब क्या करूंगा मैं इसमें ऊपर और नीचे हर टर्म में उसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये रूट ऑफ ए वन माइनस ए टू, ये जो डी लग रहा है वो एक्चुअली ए है, और नीचे क्या हो जाएगा रूट ऑफ ए वन प्लस ए टू इंटू रूट ऑफ ए वन माइनस ए टू, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ये आएगा। ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा ए टू माइनस ए थ्री रूट ऑफ ए थ्री, नीचे आ जाएगा ए टू माइनस ए थ्री, और ऐसे ही ये चलता जाएगा। अब देखो ये सारे टर्म ए टू माइनस ए वन, ए वन माइनस ए टू, ए टू माइनस ए थ्री, ये सब जो है इसको मल्टीप्लाई तुम ए टू माइनस ए वन से कर देना, तो एक्चुअली यहाँ पे नहीं तो तुम्हें माइनस डी मिलेगा नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करो, ये ए टू माइनस ए वन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो नीचे तुम्हें मिलेगा ए टू माइनस ए वन, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ए थ्री माइनस ए टू से कर देना, तो तुम्हें नीचे मिल जाएगा ए थ्री माइनस ए टू, करेक्ट, ए थ्री माइनस ए टू, तो नीचे हो जाएगा ए थ्री माइनस ए टू, ऐसे चलता जाएगा। अब देखो ये वाले जो सारे टर्म्स है ऊपर वाले, नीचे वाला तो डी हो गया, तो मैं उसको वन बाय डी करके कॉमन निकाल सकता हूँ, और अब ऊपर मेरे पास आ जाएगा ए टू माइनस रूट ऑफ ए वन, ऐसे चलता जाएगा, और लास्ट टर्म होगा ए ऑफ एन माइनस वन माइनस रूट ऑफ ए एन, ठीक है। तो जब अब तुम इसको सॉल्व करोगी, लास्ट टर्म होगा इनफैक्ट ए एन माइनस ए एन माइनस वन, क्योंकि उल्टा मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा, ठीक। अब देखो इसमें ये वाला टर्म ए टू यहाँ कट जाएगा, ऐसे ये सारे कटते जाएंगे, एंड में तुम्हें सिर्फ बचेगा वन बाय डी रूट ऑफ ए एन माइनस रूट ऑफ ए वन, ठीक है, ये आया। बट हमें प्रूफ तो कुछ और करना है, प्रूफ में हमें करना है एन माइनस वन रूट अपॉन रूट ऑफ ए एन प्लस वन प्लस ए एन प्लस ए वन। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको फिर फर्दर मल्टीप्लाई करूंगा ए एन प्लस रूट ए वन से, ऐसे ही यहाँ पे ए एन प्लस रूट ए वन हो जाएगा। अब ऊपर मेरे पास आ जाएगा ए एन
माइनस ए वन, और नीचे आ जाएगा रूट ऑफ ए एन प्लस रूट ऑफ ए वन। अब रूट ऑफ ए एन माइनस ए वन है और मुझे वो सब तो चाहिए नहीं, मुझे तो एन माइनस वन चाहिए, तो मैं इसका फॉर्मूला डाल देता हूँ। फॉर्मूला ए एन का क्या होता है, ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी माइनस ए वन अपॉन नीचे है डी रूट ऑफ ए एन प्लस रूट ऑफ ए वन। ए वन ए वन कट जाएगा, डी डी कट जाएगा, आंसर आ गया एन माइनस वन अपॉन रूट ऑफ ए एन, ए एन प्लस ए वन। यही हमें प्रूव करना था, इसी की वैल्यू निकालनी थी। एक और टॉपिक जो हमने लास्ट टाइम सीखा था वो ये था कि अगर मेरे को लिमिटेड टॉपिक्स की बात कर रहा है, लिमिटेड एपी की नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहा है, थ्री टर्म्स फोर टर्म्स फाइव टर्म्स जब कहे कि एपी में हो, तो हमने सीखा था कि इन टाइप के क्वेश्चन में हम लोग ये ले लेंगे। अगर तीन टर्म्स होंगे तो ए माइनस डी ए ए प्लस डी, चार टर्म्स होंगे तो ए माइनस थ्री डी ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस थ्री डी, पांच होंगे तो ए माइनस टू डी ए माइनस डी ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी, इन सब में कॉमन डिफरेंस यहाँ लिख रखा है। फाइव तक का जनरली आता है। फिर इसको करना हमने सीख रखा था, सम ऑफ थ्री टर्म्स ऑफ एपी इज माइनस थ्री, तो हम ले लेंगे ए माइनस डी ए ए प्लस डी और उनका प्रोडक्ट इज एट, तो ये हो गया इनका सम, तो ए की वैल्यू आ गई, प्रोडक्ट है वो एट है, ए की वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व कर दिया तो डी की वैल्यू आ गई। ऐसे ही फोर टर्म्स की बात करेगा तो ये वाला ले लेंगे फोर वाला, फाइव सिक्स जो भी टर्म्स की बात करेगा तो ये वाली टर्म्स अपने को लेना है और सॉल्व करना है। ये भी हम पिछले साल कर चुके हैं और यहाँ तक। हाँ तो अभी एक काम करो, इसका तुम लोग फोर्थ क्वेश्चन एक बार करके देख लो। फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन है 5 प्लस 13 प्लस 21 प्लस 181, आई हैव टू फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज। तो अगर आपको ध्यान हो हम क्या करते थे, लास्ट टर्म से पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स आ गया तो मैं एसएन के फॉर्मूले में सारी वैल्यूज रख के अपना एसएन निकाल सकता हूँ। पहले तो हमें क्या करना है, एन निकालना है, तो एन के लिए मैं सीधा सीधा फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, ए एन विल बी इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है 13 माइनस 5, 13 माइनस 5 मतलब इट विल बी 8। अब इसको उस तरफ ले जाओ तो तुम्हें मिलेगा 176 इज इक्वल टू एन माइनस वन और बाय 8 कर दो, चलो तो यहाँ पे 22 आ गया एन माइनस वन, तो एन की वैल्यू आ गई 23। अब एस एन का एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी हमें पता है, अगर मेरे पास लास्ट टर्म ऑलरेडी दे ही रखी है तो मैं क्या करूंगा, एन बाय टू और ए ए इज व्हाट 5 प्लस लास्ट टर्म विच इज 181, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 23 इंटू यहाँ आ जाएगा 186 बाय टू विच इज 93, तो आंसर आ जाएगा 23 इंटू 93, इनको तुम मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 2139। ये मेरा SN का आंसर आ गया, सिंपल है, तो पिछले साल का ही कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन में ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमें बोलता है कि सम ऑफ n टर्म्स की वैल्यू है Pn प्लस Qn स्क्वायर एंड आई हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस। अब ये आप लोग निकालो। अब इस क्वेश्चन में क्या करो तुम, पहले अपन S1 निकाल लेते हैं, ठीक है। एस वन मेरा क्या आ जाएगा, इस केस में आ जाएगा पी इंटू वन विच इज पी प्लस क्यू इंटू वन स्क्वायर विच इज क्यू, और हमें पता है एस वन जो होता है वही ए वन भी होता है ना, यही ए वन है। अब एस टू क्या हो जाएगा, एस टू एक्चुअली में होता है सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, तो यहाँ पे हो जाएगा 2p प्लस यहाँ हो जाएगा क्यू इंटू टू स्क्वायर विच इज 4q, और एक्चुअली में ये क्या है, ये है ए वन प्लस ए टू। तो अब अगर तुम्हें ए और हमें डी निकालना है, डी कैसे निकाल सकते हो, डी निकालने का तो सीधा फंडा था, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो। अब अगर मेरे को ए वन तो मिल गया, यहाँ पे ए टू निकाल लूं, यहाँ पे पुट कर दूं वैल्यूज, तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एज इट इज रखता हूँ 4q, और यहाँ पे ए वन की जगह मैं रख देता हूँ पी प्लस क्यू और ए टू को ऐसे ही रहने देते हैं। अब इनको इस तरफ ले जाओ तो यहाँ तुम्हें ए टू मिल जाएगा पी प्लस 3q, ए टू की वैल्यू, ठीक है। और डी क्या है अपना, ए टू माइनस ए वन, ए टू की वैल्यू रख दो पी प्लस 3q माइनस ए वन क्या है पी प्लस क्यू, तो माइनस माइनस पी माइनस क्यू हो जाएगा, पी पी कैंसिल
बचा 3q माइनस q विच बिकम्स इक्वल टू 2q, तो मेरा कॉमन डिफरेंस आ गया 2q। ठीक है, नाउ इस क्वेश्चन में लास्ट टाइम भी हम लोगों ने जब ये वाले क्वेश्चन देखे थे तो हमने क्या करा था, SN, अभी जो पिछले वाले में भी करा है समथिंग सिमिलर टू दैट। पहले S1 निकाल लो, S1 निकालने के लिए क्या करना होगा, 3 × 1² राइट, यहाँ पे 1² हो जाएगा प्लस 5 × 1, तो ये मेरा आ गया आंसर इसका 8। अब ऐसे ही S2 निकाल लो। वो वन कैसे डाल दिया आपने? आपने 3n² + 5m लिखा है। 3n² + 5n, हाँ तो n तो 1 ही होगा ना भाई। m अब इसमें मैंने क्या कर दिया, ये 8 हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, 3 × S2 निकालना है, तो 3 × 2² + 5 × 2, ठीक। अब क्या हो जाएगा, ये 3 × 2² मतलब हो गया 12 + 10, तो ये मेरा आ गया 22। अब देखो S1 एक्चुअली में क्या हो गया, A1, A1 8 है, और S2 मेरा क्या हो गया, S2 का मतलब तो समझ में आता है ना, फर्स्ट फर्स्ट टू टर्म्स का सम, तो A1 + A2 हमें दिया हुआ है 22। दैट मींस मेरा A2 हो जाएगा 22 - 8 विच इज यहाँ पे आ जाएगा 14। ठीक है, 14 आ गया A2। अब मैं D निकाल सकता हूँ, D क्या होता है, A2 - A1, तो यहाँ पे हो जाएगा 14 - 8 विच इज 6, D की वैल्यू आ गई। अब मुझे M निकालना है, mth टर्म दिया हुआ है 164, तो मैं लिख सकता हूँ mth टर्म इज इक्वल टू A विच इज 8 प्लस m - 1 इंटू डी, डी इज 6। अब ये इस तरफ ले जाओगे तो तुम्हें मिल जाएगा 156/6 इज इक्वल टू m - 1। अब इसको सॉल्व कर लो, 166 पर ये हो जाएगा 26 इज इक्वल टू m - 1, तो मेरी m की वैल्यू आ जाएगी 27। इस तरह से मेरा m निकल के आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, mth टर्म देख रखा है हमें, तो a प्लस एम डी माइनस डी, मतलब मैंने m माइनस 1 इंटू डी को एक्सपेंड कर दिया क्योंकि वो आगे करना पड़ेगा, इसलिए मैंने अभी इसी स्टेप पे कर दिया। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, nd - d इज इक्वल टू 1/m। अब अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो देखो क्या होगा, a a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा md - nd, और dd कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा 1/n - 1/m। अब नेक्स्ट स्टेप पे d तुम कॉमन ले लो, यहाँ पे बचेगा m - n इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा m - n/mn। ठीक है, तो d की वैल्यू अपनी क्या निकल के आ जाएगी, 1/m × n। अब d की वैल्यू पुट कर दो और a निकाल लो, तो मैं क्या कह सकता हूँ, a प्लस यहाँ पे हो जाएगा m - 1, d की जगह मैंने mn रख दिया इज इक्वल टू 1/n। अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/n - m, चलो ऐसे कर लो, -m/mn। एलसीएम लो तो क्या हो जाएगा, m - m+1/m × n, ये और ये कैंसिल, a भी आ गया 1/mn, है ना। अब क्या करो, a आ गया, d आ गया, अब हमें smn निकालना है। smn के लिए मेरे को क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, smn हो जाएगा m × n, मतलब जब sn होता था तो mn लेते थे, जब sm होता था तो m ले लेते थे, अब mn है तो मैं mn ले लूंगा। a की जगह हमने रखा 1/mn, है ना, वो फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, 2a, तो यहाँ पे 2/mn हो जाएगा 2a + mn - 1/d विच इज mn। ठीक, ये आ गया। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, mn/2, और यहाँ पे हो जाएगा mn - 1/mn। ठीक है, mn mn कट हो जाएगा, ऊपर नीचे बचेगा क्या, हाफ ऑफ mn - 1,
यही हमें प्रूव करना था, हमने कर लिया. दिस इज अ गुड क्वेश्चन, तो इसको आप लोग जहां पे भी लिखो वहां पे गुड मार्क कर लेना. क्वेश्चन में बोल रहा है सम ऑफ एन टर्म्स टू एन टर्म्स एंड थ्री एन टर्म्स ऑफ एन एपी आर एस वन एस टू एस थ्री. एपी वही है, इसका इम्पोर्टेंट परस्पेक्टिव जो समझने वाला है वो ये है कि एपी एक ही है. एपी को आप लिख सकते हो ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी, ऐसे चलता जाएगा राइट. एपी वही है. अब एस वन में एन टर्म्स का सम है, एस टू में टू एन टर्म्स का सम है, जैसे ये आगे मेरा कंटिन्यू होता रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा डॉट 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 डॉट, यहाँ पे एन टर्म्स आएंगे फिर डॉट 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 डॉट, कहीं टू एन हो जाएगा फिर डॉट 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 डॉट, कहीं आगे जाके थ्री एन हो जाएगा. तो कह रहा है इतने सम का, इतनों का सम एस वन है, इतनों का एस टू है और फिर तीसरे का एस थ्री है, और अब उनको निकालो और इसमें पुट करो और एल एच एस और आर एच एस इक्वल करके दिखा दोगे तो आंसर आ जाएगा. हाँ, अब देखो इस क्वेश्चन में मैं कह सकता हूँ एस थ्री जो होगा वो मेरा हो जाएगा थ्री एन बाय टू और टू ए प्लस थ्री एन माइनस वन डी, है ना, थ्री एन माइनस वन इन टू डी, क्योंकि अभी एन ही मेरा थ्री एन हो गया है. ठीक है, ऐसे ही मेरा एस टू हो जाएगा यहाँ पे टू एन बाय टू इन टू टू ए प्लस टू एन माइनस वन इन टू डी, करेक्ट. और एस वन हो जाएगा सेम एन बाय टू इन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी. ठीक है, अब क्या करो, देखो अब यहाँ पे वैल्यू डाल दो. पहले आर एच एस में डालते हैं, आर एच एस को देखते हैं. आर एच एस उसमें क्या है, थ्री इंटू एस टू, एस टू की वैल्यू पुट कर दो टू एन बाय टू, टू एन बाय टू इंटू टू ए प्लस टू एन माइनस वन इंटू डी. ठीक, और फिर उसके बाद माइनस एस वन, तो ये ब्रैकेट नहीं लगाते, इसकी जगह अपन माइनस एस वन कर देते हैं. अब है माइनस एन बाय टू और यहाँ हो जाएगा टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. ठीक है, अब ये हो गया थ्री इंटू, यहाँ पे अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा टू इंटू ए इंटू एन, तो फोर ए एन हो जाएगा टू इंटू टू एन इंटू टू ए, तो मैं लिख सकता हूँ फोर एन बाय टू और यहाँ पे माइनस टू ए एन बाय टू हो जाएगा, है ना. ये पहला मतलब मैंने क्या करा, ए वाला टर्म एक साथ कर रहा हूँ और डी वाले सम को एक साथ कर दे रहा हूँ. अब इसके बाद नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, प्लस फोर एन स्क्वायर डी माइनस टू एन डी, टू तो है ही नीचे इसके, और यहाँ पे आगे आ जाएगा माइनस एन स्क्वायर डी और प्लस एन डी और अपॉन टू. ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, थ्री इंटू ये हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा टू ए एन बाय टू प्लस यहाँ पे आ जाएगा थ्री एन स्क्वायर डी माइनस थ्री एन डी बाय टू, वन बाय टू तो बाहर ही ले लो, थ्री बाय टू क्योंकि एन बाय टू हो जाता है ना वो, तो ये हो जाएगा टू ए एन प्लस टू ए एन प्लस यहाँ पे आगे आ जाएगा एन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था. ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर थ्री एन को कॉमन ले लेता हूँ, थ्री एन तो अंदर बच जाएगा थ्री एन डी कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर बच जाएगा एन माइनस वन, ये आया. अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता देता हूँ, यहाँ पे एक बस गलती हुई थी, माइनस टू एन डी प्लस एन डी बिल्कुल माइनस एन डी, और अब मैंने क्या करा टू बाहर ले लिया और इन दोनों टर्म्स में से एन को बाहर ले लिया तो थ्री बाय टू एन लिख दिया, यहाँ बचा टू ए प्लस ये हो गया
यहाँ डी अगर मैं बाहर ले लूं और एन तो पहले ही चला गया, तो थ्री एन माइनस वन, ये पूरी चीज जो है वो एक्चुअली में एस थ्री का फॉर्मूला है, तो इक्वल टू एस थ्री हो गया विच इज इक्वल टू एल एच एस, इसलिए मैं कह सकता हूँ ये हेंस प्रूव्ड हो जाएगा, क्वेश्चन विल बी प्रूव्ड। ये अगेन लास्ट टाइम का एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू डिफरेंट एपी, इसमें एपी डिफरेंट है, ये यहाँ पे नहीं कह रहे कि सेम एपी है, इज 3n plus 8 by 4n plus 7n plus 15, हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म, तो मतलब फर्स्ट एपी का 12th टर्म और सेकंड एपी का 12th टर्म का रेशियो इज व्हाट आई हैव टू फाइंड, निकालो। इस केस में हम क्या करेंगे, अब जैसे s1 है तो s1 को मैंने बोल दिया नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन है राइट, इसमें ऊपर नीचे हमें दे रखा है कि सम ऑफ n टर्म्स, n दोनों में n ही है ठीक है, तो ऊपर मैं लिख सकता हूं n बाय टू ठीक, फिर ब्रैकेट में पहले वाले में छोटा a ले लिया हमने फर्स्ट टर्म n माइनस वन और छोटा d ले लिया हमने डिफरेंस ठीक है, और नीचे मैंने लिख दिया n बाय टू क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स तो सेम ही है, अब दूसरे ap में मैंने फर्स्ट टर्म को ले लिया बड़ा a और कॉमन डिफरेंस को ले लिया बड़ा d। अब आप देखो यहाँ पे मैं ये और ये टर्म तो कैंसिल आउट कर पा रहा हूँ, और इसको मुझे दिया क्या हुआ है, ये है 3n plus 8 upon 7n plus 15, ये मुझे दे रखा है कि इसका रेशियो इज दिस, मैंने अभी बस कुछ नहीं करा, s1 और s2 दोनों की वैल्यू दे दी रख दी, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स n थे तो मैंने ऊपर n by 2 डाला है और नीचे भी n by 2 डाला है, बट फर्स्ट एपी में मैंने एक स्मॉल फर्स्ट टर्म को छोटा ए ले लिया है, कॉमन डिफरेंस को छोटा डी ले लिया है, सेकंड एपी में मैंने फर्स्ट टर्म को बड़ा ए ले लिया और कॉमन डिफरेंस को बड़ा डी ले लिया। अब देखो मुझे तो 12th टर्म चाहिए, nth टर्म का फॉर्मूला तो a प्लस n माइनस 1 डी होता है, यहाँ पे तो मेरे पास 2a है, तो एक्चुअली में मैं अगर 2 ऊपर से कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, a प्लस यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 1 बाय 2 इंटू छोटा डी, और नीचे भी वही हो जाएगा 2 कॉमन बड़ा ए प्लस एन माइनस 1 बाय 2 इंटू बड़ा डी करेक्ट, और ये इक्वल टू है क्या 3n प्लस 8 और अपॉन 7n प्लस 15 में, एक्चुअली में मैं ये करना चाह रहा हूँ कि ऊपर नीचे मैं nth टर्म बना दूं और फिर उसमें 12 डाल दूंगा। अब देखो यहाँ पे ऊपर 2 और नीचे 2 कैंसिल हो गया, अब बचा a प्लस एन माइनस 1 बाय 2 डी और नीचे बच गया a प्लस एन माइनस 1 बाय 2 बड़ा डी। अब देखो अगर मुझे 12th टर्म चाहिए, 12th टर्म में क्या होता है, 12th टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस 11 डी, तो एक्चुअली 11 आना चाहिए यहाँ पे, इसकी जगह अगर 11 आ जाए तो ये 12th टर्म ही तो बन जाएगा है ना, तो मेरे को कुछ ऐसा करना चाहिए कि यहाँ पे मैं 11 ला पाऊं, वो लाने का मेथड सबसे इजी ये है कि तुम n माइनस 1 बाय 2 को इक्वल टू 11 डाल दो, तो अब देखो क्या हो जाएगा, n माइनस 1 आ जाएगा 22, n की वैल्यू आ जाएगी 23। अब तुम यहाँ पे n की जगह अगर 23 डालते हो तो क्या हो जाएगा, 23 माइनस 1 विच इज 22 बाय 2 11 डी, और नीचे भी n की जगह 23 डालते हो तो वो 11d आ जाएगा, मतलब ऊपर अब मैं कह सकता हूँ कि ऊपर मेरे पास आ जाएगा फर्स्ट ap का 12th टर्म और नीचे आ जाएगा सेकंड ap का 12th टर्म है ना, ऊपर फर्स्ट ap का 12th टर्म आ गया, नीचे सेकंड ap का 12th टर्म आ गया, जब मैंने n की जगह 23 डाल दिया था ठीक है, तो क्या हो रहा था, ऊपर आ रहा था a प्लस 23 माइनस 1 विच इज 22 बाय 2 11 डी, और नीचे आ रहा है a प्लस वैसे ही 23 माइनस 1 11 डी, यहाँ पे d को बड़ा d लिख देते हैं बिकॉज सेकेंड ap में d जो था वो बड़ा d हमने अज्यूम करा है ठीक है, और अब जब यहाँ पे तुमने n को डाला था 23 तो तुम्हें दूसरी तरफ भी 23 डालना पड़ेगा राइट, तो यहाँ पे भी तुम 23 डाल दो अपॉन 7 इंटू 23 प्लस 15, अब ये मेरे पास हो गया a फर्स्ट का 12th टर्म और a सेकंड एपी का 12th टर्म
उनका रेशियो आ गया, जब तुम इसको सॉल्व करोगे 23 इंटू 3 प्लस 8 और नीचे करोगे 23 इंटू वो, तो तुम्हें मिल के आएगा यहाँ पे 77/176। और अब ये मेरा 11 से कट रहा है, तो 11 7 77 और 11 16, तो मेरा रेशियो ऑफ 12th टर्म इस केस में आ गया 7/16। अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कर रहे हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज अपन करेंगे और उसके बाद उसके बेस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। तो जो पहली प्रॉपर्टी है, हमें ये पता था कि बी माइनस ए और सी माइनस बी, अगर ए बी सी तीन टर्म्स हैं जो कि एपी में है, ए बी सी आर इन एपी, तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि जो मेरा बी माइनस ए होगा वही मेरा सी माइनस बी होगा। अब अगर बी को तुम इस तरफ ले आओ तो तुम कह सकते हो 2b will be equal to a plus c। ये प्रॉपर्टी तो मतलब समझो हर जगह लगेगी, तो इसको बहुत ध्यान से समझना, 2b will be equal to a plus c। कैसे? अगर a b c तीन टर्म्स हैं जो कि ap में है, तो मैं कह सकता हूँ b माइनस ए विल बी इक्वल टू c माइनस बी। तो अगर b को मैं एक तरफ ले जाऊं तो मेरे को मिल जाता है कि 2b जो है वो a plus c के इक्वल है। ये समझ में आ गया? इसमें हमें क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन में इस प्रॉपर्टी के बेस पे जो क्वेश्चन है वो दे रखा है बी प्लस सी, हमें बोल रहा है ए बी सी आर इन एपी, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर आल्सो इन एपी। ए बी सी एपी में दे रखा है और हमें प्रूव करना है बी प्लस सी, सी प्लस ए एंड ए प्लस बी, एंड ए प्लस बी आर आल्सो इन एपी। ए बी सी एपी में है ये हमें दे रखा है, ठीक है। अब अगर मुझे ये प्रूव करना है कि ये एपी में हो, तो कैसे मैं प्रूव कर सकता हूं? मैं जो मेरा सेकेंड टर्म है उसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दूं, और जो मेरा थर्ड टर्म है उसमें से सेकेंड टर्म को माइनस कर दूं, तो दोनों अगर एपी में तो तभी होंगे ना जब ये इनके कॉमन डिफरेंस सेम होंगे। तो हमने देखा इनके कॉमन डिफरेंस निकाल के देखते हैं, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, मेरे सम था बी प्लस सी सी प्लस ए, हाँ। तो अब मैंने इसको सॉल्व करा, अब मेरे पास यहाँ पे बच रहा है ए माइनस बी और यहाँ पे बच रहा है दूसरी साइड पे बी माइनस सी, ठीक है। अब मुझे पता नहीं है सही है कि नहीं, बट अब अगर मैं सी को इस तरफ ले आऊं तो मैं कह सकता हूँ ए प्लस सी इज इक्वल टू टू बी है, और अगर ए बी सी एपी में है तो हमें ये तो पता है कि 2b is equal to a plus c होता है, अभी अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी कि अगर ए बी सी एपी में है तो दिस विल होल्ड ट्रू। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे ये इक्वेशन आई, इसको सिंप्लीफाई करा, तो मैंने ये चीज निकाल ली और ये तो ट्रू है, दैट इम्प्लाइज कि जो ये तीन टर्म्स हमें दे रखे हैं ये भी एपी में होंगे। समझ में आया ये वाला? इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है इफ ए बी सी आर इन एपी, प्रूव दैट ए स्क्वायर बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस ए, सॉरी कॉमा बी स्क्वायर सी प्लस ए कॉमा सी स्क्वायर ए प्लस बी आर आल्सो इन एपी। यहाँ पे क्वेश्चन में ये दिया हुआ था एपी में प्रूव करना है, तो हमने बोला बी स्क्वायर सी प्लस ए माइनस ए स्क्वायर बी प्लस सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर ए प्लस बी माइनस बी स्क्वायर सी प्लस ए। अब सबको एक्सपेंड कर दिया, अब देखो हम क्या कर सकते हैं, सी स्क्वायर, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे कंबाइन करूं, किस किस टर्म को मैं कंबाइन कर सकता हूँ, हाँ अगर इसको और इसको मैं कंबाइन करता हूँ तो देखो क्या मिलेगा, और इन दोनों को कंबाइन कर देता हूँ तो एल एच एल में मुझे मिलेगा बी स्क्वायर, सी कॉमन ले लिया, मिला बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे ए बी कॉमन ले लिया, बचा बी माइनस ए इज इक्वल टू, ऐसे ही यहाँ पे तुमने ए कॉमन ले लिया, बचेगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों को कंबाइन करा इधर, ठीक है। और यहाँ पे प्लस बी सी कॉमन ले लिया तो बच जाएगा सी माइनस बी। अब देखो यहाँ पे मैं बी माइनस ए कॉमन ले सकता हूँ,
और अंदर बच जाएगा बी सी माइनस ए सी और प्लस ए बी। और इधर पे मैं क्या कर सकता हूँ, सी माइनस बी को कॉमन ले सकता हूँ, अंदर बच जाएगा ए सी माइनस बी ए प्लस बी सी, है ना। अब देखो यहाँ पे ए सी माइनस बी सी एक टर्म का इशू, तो यहाँ पे ये जो ए है ये प्लस का हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे बी प्लस ए बचेगा, सो सी इंटू बी इज बी सी प्लस सी इंटू ए इज ए सी, और यहाँ पे सी प्लस बी बचेगा तो ये प्लस हो गया। अब ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म कैंसिल, तो मेरा बच जाएगा बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। अब बी को इस तरफ ले आओ तो टू बी हो जाएगा मेरा ए प्लस सी। फिर मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि ये ट्रू है तो हेंस दीज टर्म्स आर इन ए पी। में अगेन इसको करने के लिए हमें दिया हुआ है ये तीन टर्म्स ए पी में प्रूव करने, और ए बी सी ए पी में ये दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे वही अपना वन बाय रूट ऑफ सी प्लस रूट ऑफ ए माइनस वन बाय रूट ऑफ बी प्लस रूट ऑफ सी इज इक्वल टू वन बाय रूट ऑफ ए प्लस रूट ऑफ बी माइनस वन बाय रूट ऑफ सी प्लस रूट ऑफ ए। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब इसको अपन एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं कह सकता हूँ रूट ऑफ बी प्लस रूट ऑफ सी माइनस रूट ऑफ सी माइनस रूट ऑफ ए अपॉन नीचे क्या आ जाएगा रूट ऑफ सी प्लस रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी प्लस रूट ऑफ सी, और इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ सी प्लस रूट ऑफ ए माइनस रूट ऑफ बी माइनस रूट ऑफ सी रूट ऑफ ए, और नीचे अगेन यहाँ पे हो जाएगा रूट ऑफ ए प्लस रूट ऑफ बी इंटू रूट ऑफ सी प्लस रूट ऑफ ए। अब देखो डिनोमिनेटर तो दोनों साइड पे पूरे पूरे कैंसिल हो जा रहे हैं, है ना। एक मिनट रुको। अब मैंने यहाँ पे देखा कि डिनोमिनेटर में सी प्लस ए और ये सी प्लस ए कैंसिल हो गया, ऊपर सी और सी कैंसिल हो गया, और ऐसे ही यहाँ पे ए ए कैंसिल हो गया। अब जो बचा विच इज रूट बी माइनस रूट ए अपॉन रूट बी प्लस रूट सी विल बी इक्वल टू रूट सी माइनस रूट बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो रूट रूट बी माइनस रूट ए अपॉन रूट ए प्लस रूट बी क्या हो जाएगा, रूट बी का स्क्वायर विच इज बी माइनस रूट ए का स्क्वायर विच इज ए विल बी इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा रूट सी का स्क्वायर विच इज सी माइनस रूट बी का स्क्वायर विच इज बी। तो अब अगर इसको मैं उस तरफ ले जाऊं बी को और ए को इस तरफ ले जाऊं तो मेरा टू बी आ जाएगा ए प्लस सी बिकॉज ए बी सी ए पी में, दैट मीन्स कि ये वाला टर्म भी जो है वो ए पी में होगा। रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी, हमें प्रूव करना है दैट वन बाय बी प्लस सी वन बाय सी प्लस ए एंड वन बाय ए प्लस बी आर ऑल्सो इन ए पी। अभी तक हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी और उसके बेस पे सारे क्वेश्चंस कर लिए। अब अपन नेक्स्ट दो प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि अगर एक एपी में सारे टर्म्स में एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करा जाए, जैसे अगर मैं कहूँ ए बी सी आर इन एपी, और अगर मैं इन सारे ही टर्म्स में एक कॉमन टर्म ए प्लस टू मान लो टू एक कॉन्स्टेंट एड कर दूं तो ये तीन टर्म्स भी एपी में होंगे। ठीक है, ऐसे ही थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर एक एपी के कुछ नंबर्स हमें दिए हुए हैं और उसमें मैं किसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दूं कांस्टेंट से, ठीक है, या मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं तो भी जो रिजल्टेंट होगा वो एपी में होगा। और ऐसे ही एक बार डिवाइड वाला भी बता देता हूँ, ए बी सी अगर है और मैं सबको टू से डिवाइड कर देता हूँ तो भी जो गिवन टर्म्स अब बन जाएंगे वो एपी में रहेंगे। चाहे तो बहुत सिंपली अंडरस्टैंड करने के लिए वन लेट से हम एक टू फोर सिक्स एपी में है, एट एपी में है, चलो
ठीक है, आगे की सीरीज नहीं ले रहे, बट 2, 4, 6, 8 ले लेते हैं। इन सब में 2 ऐड कर दो, एपी रहा, इन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एपी रहा, इन सबको 2 से डिवाइड कर दो, एपी रहा, है ना। डिफरेंस मतलब एपी एक दूसरा बन सकता है, बट होगा एपी, डिफरेंस चेंज हो सकता है बट होगा एपी, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। ठीक है, वो एपी में ही टर्म्स रहेंगे ये। अब नेक्स्ट 2, 3 प्रॉपर्टीज मैंने बताई है जिनके बेस पे अब एक क्वेश्चन अपन देखते हैं। अब इसको भी अपने को लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है बी प्लस सी माइनस ए बाय ए कॉमा सी प्लस ए माइनस बी बाय बी कॉमा और ए प्लस बी माइनस सी बाय सी आर इन एपी। ये टर्म्स एपी में है, हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट 1 बाय ए 1 बाय बी एंड 1 बाय सी आर ऑल्सो इन एपी। ठीक है, ये प्रूव करना है। हो करो गया। एक बार ये वाला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ तो आपको फटाक से आइडिया लग जाएगा, फिर इसके जैसे क्वेश्चन और देखेंगे। अब देखो, अगर बी प्लस सी माइनस ए बाय ए में मैं 2 ऐड कर दूं, ठीक है, और सिमिलरली सारे ही टर्म्स में मैं 2 ऐड करता चला जाऊं, और तीसरा टर्म क्या था ए प्लस बी माइनस सी बाय सी में भी 2 ऐड कर दूं, तो अब देखो क्या बन जाएगा, ये प्लस 2a हो जाएगा, प्लस 2a हुआ और ऊपर एक माइनस ए था तो प्लस ए बच जाएगा, तो तुम्हें मिलेगा ए प्लस बी बाय सी बाय ए, और यहाँ पे प्लस 2b माइनस बी फिर से बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाय ए बाय बी, सॉरी इस केस में। और तीसरे टर्म में क्या होगा, माइनस सी प्लस 2c, तो फिर बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाय सी। अब तीनों को आप ए प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर दो, क्योंकि अगर एक ही टर्म से कर रहा हूं तो चलेगा, तो जो बचा विच इज 1 बाय ए 1 बाय बी और 1 बाय सी आर इन एपी। हमने क्या करा, पहले हमने 2 से सबको ऐड कर दिया तो जो रिजल्ट आया वो एपी में हमें पता है। अब हमने सबको ए प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर दिया तो जो रिजल्ट आया वो भी एपी में होगा, यही हमें प्रूव करना था।